मेरा नाम, तो आपको अपना नाम लिखना है उसके आगे, स्पेस दिया हुआ है वहां पे, तो आपको नाम लिखना है। इन सेकंड लाइन वहां पे दिया हुआ है मेरे विद्यालय का नाम, तो मेरे विद्यालय का नाम आपको लिखना है, विद्यालय का नाम मेरा की इंटरनेशनल स्कूल। नीचे देखिए चार पिक्चर्स दी हुई है यहाँ पे। फर्स्ट पिक्चर में स्टूडेंट्स स्कूल में आ रहे हैं बस में। सेकंड पिक्चर देखिए असेंबली चल रही है, प्रार्थना सभा चल रही है वहां पे। थर्ड पिक्चर में टीचर टीचिंग कर रही है और फोर्थ पिक्चर में सभी बच्चे प्ले कर रहे हैं। पार्ट टू, पार्ट टू में क्या है, कविता है हमने भी देखा चिड़ियाघर। ये कविता प्रकाश मोहन के द्वारा लिखी गई है, हमने भी देखा चिड़ियाघर। पुट योर फिंगर, आप मेरे साथ ये कविता पढ़ेंगे, हमने भी देखा चिड़ियाघर। पापा संते मम्मी संती, पापा संते मम्मी संती, संता भैया बब्बल, आगे आगे चलती चुटकी, आगे आगे चलती चुटकी, कहती दिखला वो बुलबुल। हाथी देखा भालू देखा, हाथी देखा भालू देखा, देखा हमने शेर बब्बल। सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में कवि ने बता दिया कि पापा मम्मी साथ में गए थे, छुट्टी गई थी, भालू देखा गोबर शेर देखा, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ, एक पेड़ पे कूद रहे थे, एक पेड़ पे कूद रहे थे काले मुंह वाले लंगूर, उछल कूद करते कुछ ऐसे, पापा भी हंसने को मजबूर। घूर रहा था मोटा बंदर, घूर रहा था मोटा बंदर, खो खो करता गया किधर। वहां पे मोटा बंदर था ना, वो घूर रहा था और खो खो करते किधर चला गया पता ही नहीं चला। पापा लंगूर को देखकर हंसने, ये सब इस पैराग्राफ में बताया गया है। थर्ड पैराग्राफ, मैना बुलबुल, मैना बुलबुल गोरे या जब देख लिए तो देखे तोते, तो देख लिए तोते, लाल बैंगनी नीले आहा, लाल बैंगनी नीले हाँ आहा, तोते भी क्या ऐसे होते, उनसे भी ज्यादा सुंदर थे, उनसे भी ज्यादा सुंदर थे मोर नाचते थर थर थर। कवि को क्या सुंदर लगा, जो मोर नाच रहे थे ना वो उन तोतों से भी ज्यादा सुंदर लगे, जो रंगीन तोते देखे वहां पर उनसे भी ज्यादा सुंदर लगे। नाउ टर्न योर पेज, फोर्थ पैराग्राफ, देखी प्यारी प्यारी बदकी, देखी प्यारी प्यारी बदकी, तैर रही थी पानी पर, कभी फुदकती गोते खाती, कभी फुदक रही थी और कभी गोते खा रही थी, भाग रही थी इधर उधर, छुटकी ने दाने फेंके तो दौड़ी लाई कह कह कर। छुटकी ने दाने फेंके ना, पहले तो तैर रही थी, उछल रही थी, फुदक रही थी, ठीक है, और जैसे छुटकी ने दाने देखे वो सब कह कह करके उधर आ गई। फिफ्थ एंड लास्ट पैराग्राफ, उस बिलाव भेड़िया देखा, उस बिलाव भेड़िया देखा, हिरन ज़ेब्रा हिप्पो भी, एक टांग पर खड़ा ध्यान लगाए, एक टांग पर ध्यान लगाए खड़ा हुआ बगुला लोभी। जैसे ध्यान अवस्था में खड़े होते हैं ध्यान मुद्रा में, वैसे वो बगुला लोभी था, वो खड़ा हुआ था। मम्मी बोली मजा आ गया, और सबको तो मजा आया ना, बच्चों को तो, मम्मी को पापा को सबको मजा आया। मम्मी बोली मजा आ गया, चलो चले हम अपने घर, अब चलो घर चलते हैं। हमारी वर्णमाला, आपने पढ़ा है वर्णमाला कैसे बनती है, स्वर और व्यंजन को मिलाकर। स्वर आपको आते हैं अ से अह तक, लास्ट के जो दो होते हैं अंग और अह, ये अंग को तो अनुस्वार बोलते हैं और अह को विसर्ग। अब देखिए व्यंजन, व्यंजन का भी आपको पता है ना, आपने पढ़े थे इंग्लिश में, क से ज्ञ तक, लेकिन जो लास्ट के शर त्र ज्ञ, तीन जो होते हैं लास्ट के शर त्र ज्ञ और उसमें एक श से श्रमिक और शामिल किया जाता है, ये चार व्यंजन, तीन तो व्यंजन हो गए पर एक श से श्रमिक, ये चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब आप इस फर्स्ट चैप्टर में से स्वर और व्यंजन अपनी नोटबुक में लिखेंगे और कविता को पढ़ेंगे और याद करेंगे, और फर्स्ट पार्ट मेरा